Sir, every fluctuation. समझ में नहीं आ रहा है. What does the graph say? Stocks are going up. What? Stocks are going down. Good morning, friends. Welcome once again to Nifty analysis from tradingfab.in. टुडे 13 जून 2019 थर्सडे है. सुबह के 8:06 हो रहे हैं. आज वीकली एक्सपायरी का दिन है निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स का, तो काफी वोलेटाइल मार्केट हो सकता है. कल हमने देखा 3 कंसेक्यूटिव डेज जहां पर डोजी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हमने देखा, उसके बाद एक बियरिश कैंडलस्टिक कल बना है. तो जो वीकनेस हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कल हमें वो दिखाई दिया. तो अभी अगर ये टूवर्ड साउथ की तरफ और भी अगर बढ़ता है तो कहाँ सपोर्ट के लेवल्स हो सकते हैं, कहाँ से बाउंस बैक होने के चांसेस हैं, ये आइडेंटिफाई करेंगे. लेकिन सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं. ये एक पिक्चर है कल का, यानी 12 जून 2019 आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है. अगर आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ऊपर यहाँ आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी. तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल जो था वो बन रहा था 11,979 के पास, और ब्रेक डाउन लेवल बन रहा था ना 11,956 के पास. तो जैसे ही निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ, इसने तुरंत जस्ट इसके ऊपर ओपन हुआ और हमारा ब्रेक डाउन लेवल यहाँ पर ब्रेक हुआ. उसके बाद फर्स्ट टारगेट 11,940 अचीव हुआ और 11,922 हमारा सेकेंड टारगेट भी अचीव हुआ. तो कल के इस प्लान इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग 30 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और अगर 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 22,500 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था. तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू. चलते ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं. डाउ जोन्स नासडैक कल गिरावट के साथ बंद हुए. डाउ जोन्स में करीब 43 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली. यूरोपियन बाजार भी देखे तो सभी लाल निशान में बंद हुए. आज एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो वहां पर भी दबाव देखने को मिल रहा है. जापानीज इंडेक्स निक्केई 197 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है. चाइना मार्केट 14 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है, और हांगकांग मार्केट 349 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है. डाउ फ्यूचर की बात करें तो अभी 71 पॉइंट के गिरावट के साथ अभी ट्रेड कर रहा है, और एसजीएक्स निफ्टी 34 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है. तो अभी फिलहाल ग्लोबल मार्केट्स नेगेटिव नोट पे ट्रेड कर रहा है. देखते हैं आज निफ्टी में क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकती है. वीकली चार्ट से शुरू करते हैं. ये है वीकली चार्ट निफ्टी इंडेक्स का. अगर आपने हमें कई दिनों से फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ किया था. ये 76.4% का लेवल जो है यहाँ पर इसने कंटिन्यू 3 वीक्स यहाँ पर ये रेजिस्टेंस फेस किया था इस लेवल के पास. तो यहाँ से ये टूवर्ड साउथ की तरफ अभी टर्न हो चुका है. लेकिन जो सपोर्ट लेवल से फर्स्ट सपोर्ट लेवल वो है अराउंड 11,893, यानी ऑलमोस्ट 900 के पास. कल भी हमने देखा कि जो शुरू में ये गिरावट आई थी, ये 30 मिनट का चार्ट है, यहाँ से जो गिरावट आई थी तो उसके बाद लास्ट जो कुछ ट्रेडिंग सेशन बचा था उसमें बुल्स ने फिर से एक बार अपनी स्ट्रेंथ दिखाई और 11,900 के ऊपर आके ये क्लोज हुआ. तो ये मेजर अभी 11,900 का सपोर्ट अगर आज ये टूटता है तो नीचे तुरंत 11,750 का ये सपोर्ट लेवल होगा. हमने लास्ट टू वीडियोस में भी ये देखा, ये स्विंग हाई जो है ये अराउंड 11,750 के पास आ रहा है. तो यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था वो हो सकता है अभी सपोर्ट का काम करे. तो 11,750 एज पर वीकली चार्ट नेक्स्ट सपोर्ट होगा अगर ये 11,900 का लेवल ब्रेक होता है तो, ठीक है. और अगर 12,000 के ऊपर कोई डिसीजिव मूव आती है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक बनता है डेली चार्ट में, तो यहाँ पर हमें फिर से एक बार 12,078 के ऊपर निफ्टी इंडेक्स जाता हुआ दिखाई दे सकता है. तो यह है वीकली चार्ट का सिनेरियो. चलते हैं डेली चार्ट में. यह है डेली चार्ट निफ्टी इंडेक्स का. कल हमने देखा कि यहाँ पर एक बियरिश कैंडलस्टिक बना है. ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडलस्टिक अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसका जो ओपन और हाई था वो एग्जैक्ट सेम था कल. ये देखिए 11,962 और हाई भी 11,962. तो जब ये ऐसा पैटर्न आता है उसके बाद हमें और भी थोड़ी गिरावट निफ्टी इंडेक्स में दिखाई देती है. लास्ट ओपन और हाई यहाँ पर यानी 6 जून को सेम था ऑलमोस्ट. ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये 12,039.80 ओपन था और हाई भी 12,039.80 था. तो जब भी ऐसा ओपन और हाई जब भी क्लोज होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है कि उस दिन काफी बियरिश मूवमेंट हमें दिखाई देता है, और उसके एक दो दिन बाद भी ये कंटिन्यू रह सकता है. तो यहाँ पर अगर डेली चार्ट के हिसाब से अगर ये 11,893 का लेवल अगर ब्रेक करता है और
कल का लो अगर ब्रेक करता है 11,866 तो यहाँ पर ये 20 EM है जहाँ पर इसने 3 दिन पहले एक सपोर्ट लेके छोटा सा बाउंस बैक दिखाया था। तो 11,819 ये जो 20 EM है अभी एज पर डेली चार्ट ये फर्स्ट सपोर्ट का काम कर सकते हैं एज पर डेली चार्ट। और उसके बाद 11,750 का जो हमने ये फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल है यहाँ पर ये स्विंग हाई जो पास्ट में यहाँ पर स्विंग हाई बने थे वो भी लेवल इसी के पास आ रहा है। तो 11,750 ये नेक्स्ट सपोर्ट होगा। अगर 12,000 के ऊपर ये जो डोजी फॉर्मेशन हुआ है 11 जून को ये भी 12,000 साइकोलॉजिकल लेवल जो था 12,000 इसके यहाँ पर एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लेके फिर से ये टुवर्ड साउथ की तरफ मूव किया है। तो यहाँ पर अगर ये 12,000 के ऊपर कोई डिसीजिव मूव आता है स्ट्रांग मूव आता है तो ही हमें फिर से एक बार 12,078 के लेवल्स अचीव होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो फिलहाल ये सपोर्ट लेवल्स है एज पर डेली चार्ट और वीकली चार्ट। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में क्विकली आज के लिए इंट्राडे स्ट्रेटेजी बनाते हैं। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कल इसने एग्जैक्ट ये जो 100 EMA था एज पर आर्ली चार्ट इसका सपोर्ट टेस्ट करके एक छोटा सा बाउंस बैक कल लास्ट हाफ एन आवर के ट्रेडिंग में हमें दिखाया। तो अगर ये कल का लो अगर ब्रेक करता है तो तुरंत इसके नीचे 100 EMA है उसके बाद पिवट पॉइंट का S1 का ये जो 11,860 का लेवल है ये काफ़ी मल्टीपल सपोर्ट लेवल्स आ रहे हैं। तो 11,860 को अगर ये कंफर्टेबली क्रॉस करता है ब्रेक करता है टुवर्ड साउथ की तरफ तो ही हम इंट्राडे के लिए यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा इमीडिएट एक क्विकली टारगेट होगा 11,844 ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा 11,821 ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। ठीक है, और अगर ये टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ बढ़ता है तो इसे ये जो लास्ट हाफ एन आवर का ये बुलिश कैंडलस्टिक बना है उसका हाई अगर ब्रेक करता है यानी अराउंड 11,922 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम बाय पोजीशन बनाएंगे और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,937 ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा 11,956। ठीक है, यहाँ पर 20 EMA और 50 EMA का एक मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल्स आ रहा है। तो यहाँ पर इसके ऊपर यानी इस बुलिश कैंडलस्टिक के ऊपर अगर सस्टेन करता है इसके हाई के ऊपर तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं। तो ये आज के लिए इंट्राडे लेवल्स निफ्टी इंडेक्स के लिए। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपके दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।